नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मशहूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुपए 266.15 लाख की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। मसूरी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित गांधी चौक में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत MDDA द्वारा स्वीकृत 266.15 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मसूरी में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा वासियों द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को योजना को समय पूर्ण करने और निर्माण कार्यों के दौरान इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार के नारे के साथ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारे के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर एक पार्टी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य संकल्प संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा वर्ष 2025 तक प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रण हो, इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दल 400 से अधिक सीट जीतकर मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी जेब कतरों पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगा रहे हैं जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वे समय समय पर अपनी संपत्ति को लेकर हलफनामा दाखिल करते रहते हैं। मसूरी की जनता का जो ऋण मेरे ऊपर है उसके ब्याज के रूप में कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण हमने अभी किया है। दो दिन पूर्व करीब 59 करोड़ के 56 करोड़ का इको पार्क और 3 करोड़ की 1000 लाइट का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कल ही बोर्ड से मैंने 52 लाख रुपया माल रोड को ठीक करने के लिए स्वीकृत कराया है और आज सुबह ही इस विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में 3 करोड़ का शिलान्यास लोकार्पण मैंने किए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। हम दलगत भावना से कोई काम नहीं करते, हम जातिगत भावना से कोई काम नहीं करते। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर एक पार्टी है। 18 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिस प्रकार से आज देश पूरा राममय है, मोदीमय है, मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उत्तराखंड की पांचों सीटें पहले से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। कांग्रेस को भी नहीं आपने बोला कि वहां पर कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है कांग्रेस? अब बेचारे अब क्या करें, जान मुझ के अपनी गर्दन कोट कटवाएगा। आज जहां हमारे यहाँ 11 कैंडिडेट में 11 लोग दावेदार थे, वहां को लोग ही नहीं मिल रहे हो, कहते तू लड़ रहे हो, कहते तू लड़ रहे। आज कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहली लिस्ट 195 लोगों की घोषित कर चुकी है, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, शीघ्र ही और प्रत्याशी भी घोषित होंगे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब की बार जो 400 पार का नारा है गठबंधन का, हम उसको पार करेंगे। अब आप कहूँ मैं जेब कतरों का, उठाई करों का जवाब दूँ? मुझे जिस फोरम पर जवाब देना है, 40 साल से मेरा मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो बकायदा अपनी उसकी जो आईवे का उसमें ब्यौरा दिया जाता है जो कि चुनाव की फाइल पे है। तो ऐसे क्या वो मैंने जो शब्द मैंने आपसे प्रयोग किया दोबारा उसको बोलना ही मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लोग जवाब देने की जरूरत, मुझे जहां जवाब देना है मेरे क्षेत्र की जनता जवाब दे रही है।